बाकी बच्चे यार ओके होमवर्क तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के ओके ध्यान दो और हम पीछे से स्टार्ट करते हैं अच्छा इसको क्या, क्या बोला द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बेंच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर राइट तो पहले मुझे एक बात बताओ डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं ध्यान सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ इसको हम क्या बोलते हैं हाँ ब्रदर क्या सिस्टर डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं सोचो सोचो ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या होगा uh, हां इंडक्टली हम उसको क्या बोलते हैं बोल सकते हैं गीजा बोल सकते हैं उसका जो ना डॉटर होगा उसको क्या बोलेंगे नीस नहीं बोलेंगे नीस hmm. जो बताओ

फीमेल का ऐसे, ऐसे मुझे बताओ कि अगर आपको मुझे बोलना हो कि ना ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या होता है तो फिर मैंने जब फर्स्ट पेज पे लिखवाया था वो होता है हस्बैंड या फिर वाइफ का ब्रदर राइट अगर ये फीमेल है तो जो इसका हस्बैंड है उसका ब्रदर तो वो पीछा कैसे हुआ मुझे ये नहीं समझ रहा है रीता है रीता के का जो हस्बैंड होगा राइट हस्बैंड का जो ब्रदर होगा उसको हम बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ इसका वो रीता का होगा ना ब्रदर इन लॉ हो गया नहीं होगा इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो ब्रदर इन लॉ हो गया नहीं होगा नहीं समझ आ रही हमने कल जब ब्रदर इन लॉ के बारे में पढ़ा था पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं पीछे से स्टार्ट किया मैंने डॉटर द ब्रदर इन लॉ ध्यान दो पहले अगर मैंने ब्रदर इन डॉटर द ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या है? सुना ध्यान से पहले मैं बात करूँ कि डॉटर और द ब्रदर इन लॉ क्या होती है पहले रीता का ना जो रीता की जो ना ब्रदर इन लॉ वो मतलब कौन होगा जो उसका हस्बैंड होगा जो उसका भाई होगा उसकी भाई की जो बेटी की बात कर रहा है यहाँ पे राइट डॉटर और ब्रदर इन लॉ तो रीता का ये लगा ब्रदर इन लॉ अगर यहाँ पे ये ये मेल होता मेल तो अगर मान लो रीता अगर मेल है मान लो क्या रीता क्या है मेल है तो जो इसकी जो वाइफ होती और जो वाइफ का जो ना ब्रदर होता उसको क्या बोलते उसको हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ राइट right? पर यहाँ पे हम मांगे चल होगा वो रीता का वो क्या लगेगा राइट right? आई समझ अभी इसकी बेटी की बात कर रहे हैं जब मैंने इसकी बेटी की बात की इसकी जिसकी जो ना डॉटर होगी भाई वो रीता की वो, वो क्या लगेगी वो नीस नहीं लगी भांझी बोलते भांझी वो इसकी वो वो क्या लगेगी इसकी नीस लगेगी और जब वो इसकी नीस लगेगी आगे क्या पूछा है आगे पूछा है ऑफ माई फ्रेंड्स मदर मेरे दोस्त की मम्मा की वो भांजी ये जो रिलेशनशिप भी ये भी ये है ये बोला द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बेंच ये डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ इसको छोड़ दो इसी जगह आप लिखो नीस ठीक है जो गर्ल हमको कल मिली थी उस बेंच पे वो नीस थी किसकी मेरी मम्मा की मेरे दोस्त की माँ की वो मेरी नीस थी मेरे दोस्त की माँ की नीस थी तो जब वो मेरे दोस्त मेरे दोस्त की माँ अभी मेरे मेरा कोई फ्रेंड है उसकी मॉम की बात चल रही है उसकी मॉम की नीस को हम क्या बोलेंगे उसकी मॉम की नीस को हम क्या बोलेंगे तो भाई मदर्स नीस को ध्यान देना मदर्स नीस नीस को हम क्या बोलते हैं बोलते हैं ध्यान देना ठीक है इसका आंसर होगा अजन आंसर होगा और कौन सा तो निकाला होगा मैंने वहां पे देखा था तो बताना है कि जो गर्ल है वो रीता की फ्रेंड की भाई वो क्या लगेगी सुनना मेरी बात रीता की फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड की बात नहीं हो रही है रीता की फ्रेंड की बात हो रही है कि गर्ल और रीता की फ्रेंड में आपस में क्या रिलेशन है समझ आ रही है देखो जो बेंच में लड़की बैठी थी ना जो भी बेंच में लड़की थी वो वो गर्ल है और रीता की फ्रेंड्स रीता की फ्रेंड की वो क्या लगी भाई वो उसकी तो कजन ही लगी ना उसने बोला कि उसकी फ्रेंड की माँ की माँ की वो नीस है तो जब इसने रिलेशनशिप जो पूछा है वो पूछा गर्ल और रीता की फ्रेंड का जो गर्ल और रीता की फ्रेंड का जो आपस में अभी रीता यहाँ पे रीता और मानी की बात नहीं हो रही है जो गर्ल वहां बैठी है और जो यहाँ पे जो फ्रेंड की बात हो रही है क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है ना इसने रीता पूछा पूछा ना इसने मानी पूछा इसने पूछा जो गर्ल है अभी आप बोलोगे सिर्फ दोस्त की माँ की नीस तो हमारी नहीं लगी ना कुछ भी मे, मेरा कोई दोस्त है वही कंफ्यूजन है आपको पहले सुनना था ना ध्यान से मेरा कोई फ्रेंड है मेरे फ्रेंड का कोई भी माँ है वो वो, वो मेरी माँ नहीं लगेगी उसका कोई कोई कजन है वो मेरी ना कजन ही लगेगी क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप जो, जो भी रिलेशनशिप है वो है दोस्त का है यहाँ पूछा क्या है जो गर्ल वहां बेंच पे बैठी थी और जो फ्रेंड है उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप क्या होगा जी उसकी मम्मी है तो बात देखो रीता की बात ही नहीं हुई ना तुम दोस्त क्यों देख रहे हो तुम देखो ना ये फ्रेंड्स मतलब मतलब कि एक लड़की उसकी माँ उसकी माँ की जो नीस है वो क्या लगेगी उसकी उसकी माँ की भांजी क्या लगेगी उसकी तो कजन लगेगी ना समझ आ रही है पक्का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट है रिलेशन पजल अगला टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन पजल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन म्यूचुअली ब्लड रिलेशन ऑफ मोर देन टू पर्सन आर आरशनड ठीक है अभी म्यूचुअली बहुत टाइम लगाता हूं बंद दो, बंद कर कर दो अभी ना इसमें ना कुछ नहीं है बस ना जो जो भी हमने ना पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर में ना रिलेशनशिप की बात की थी कि रिलेशनशिप ना किस तरह से वर्क करते हैं उसी का आगे एक फर्दर फॉर्म है रिलेशनशिप का पजल में लिखो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ फैमिली हैज मैन अ फैमिली हैज अ मैन हिज वाइफ His wife, their four sons and their wives, their four sons and their wives. The family of every son also has the family of.

daughter find out the total number of male members find out the total number of total number of male members find the total number of male members in the whole family फैमिली। बताओ आंसर ट्वेंटी सेवन ऑप्शन में है पर आंसर नहीं है दोबारा देखना मैंने क्या पूछा है आई एम टॉकिंग अबाउट मेल मेंबर्स नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली ये पूछा है मैंने पूरी फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं स सेवेंटीन इज द करेक्ट आंसर आ गया सेवनटीन गुड अंकुश राहुल का आ गया आशुतुष आया अच्छा सॉरी अतुल आ गया ध्यान दो इसने बात किया फैमिली हैज अ मैन पहली बात तो अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं एक मैन एक मैन आ गया उसके बाद इसने बात किया हिज वाइफ हैंड एंड देयर फोर उसके कितने बेटे हैं चार बेटे हैं सर फोर यहाँ पे मेल्स की बात कर रही हैं कि मैंने मेल मेंबर से पूछा था तो यहाँ पे आ गए फोर सन राइट इसके बाद क्या बोला यह? यहाँ से पांच हो गए थर्ड इसने बोला कितनी फैमिली है अभी चार सन्स की अपनी अपनी बीवी है फोर सन्स एंड देर वाइफ्स राइट right? तो इसने बोला अभी हर किसी की अपनी अपनी फैमिली है जो उन चार बेटों की फैमिली है उनके अपने अपने कितने बेटे तीन बेटे हैं तो चार बेटे उसके थे और हर एक बेटे का तीन तीन आगे बेटे जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन बोलते हैं राइट राइट तो वो कितने बारह हैं वो कितने आ रहे हैं ट्वेल्व आ रहे हैं तो भाई पूरी की पूरी फैमिली में भाई कितने मेंबर्स हैं ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन मेंबर्स से हैं मेल मेंबर्स हैं इस पूरी फैमिली में आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंडसन, ओके अतुल आया समझ एक मैन आदमी चार बेटे और बेटो के बेटों को हम क्या बोलते हैं याद है पोते बोलते हैं रेट नहीं बोलते हैं रैंडसन बोलते हैं और उनके बेटों को हम क्या बोलेंगे रेड ग्रैंडसन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना लिखो क्वेश्चन ए एंड बी आर ब्रदर्स A and B are brothers C and D are sisters C and D are, C and D are sisters A's son is D's brother A's son is D's A's son is D's brother A son is D's brother, right? How is B related to C? पूछा क्या है B का रिश्ता बताना है कि C के साथ क्या रिलेशन होगा बताओ ध्यान से सुनना A और B आपस में भाई हैं, C और D आपस में बहने हैं तो जो A का बेटा है वो D का भाई है तो मुझे बताओ B C का क्या लगा हाँ? गलत तो रॉन्ग है आपका आंसर गलत है राहुल अंकल यस अच्छा तो पढ़ रहा है घर पे हैं एकदम से अंकल से है बस बस वही 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 अपने फैमिली पे जब तक इमेजिनेशन आपको रखोगे ना आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा अपने जो भी घर पे है उनको इमेजिन लेके चलो तो क्वेश्चन आएगा आ okay? गया अभी समझ आया क्यों गलती करनी ऑप्शन में है जो जो आपने बोला ना बहने भी हैं वो उसका बेटा भी है। डी का, का भाई है तो वो क्या लगा अच्छा लगा ना तो ए तो बी सी का क्या लगा तो अच्छा लगा ध्यान दो ए और बी आपस में भाई हैं। ध्यान देना ए और बी के आपस में भाई हैं। तो थोड़ा सा मैं नीचे ड्रा करता हूँ वॉल ड्रॉ करना है देखो ध्यान से ए और बी आपस में भाई हैं ये ये दोनों क्या आपस में ब्रदर्स हैं राइट ठीक है right? अभी इसने बोला ए और बी जब भाई हैं सी एंड डी आर सिस्टर्स तो सी और डी अलग से कोई बहन है ठीक है ए का बेटा ए का जो बेटा है ए का बेटा इज डीज ब्रदर वो क्या लग रहा है वो डी का वो डी का भाई है मतलब कि अगर हम बात करें यहां यहाँ पे डी है और डी का जो ब्रदर है जो भी होगा ब्रदर मान लो ए e मान लो ठीक है जो भी e मानलो, राइट? सुनना, A और बी आपस में ब्रदर हैं जो ए का बेटा है मान लो ई e मान रहे हम वो क्या है? वो मेरा डी का जो वो ना डी का क्या है वो डी का भाई है ये ये दोनों भी क्या आपस में भाई हैं ये दोनों भाई और ये दोनों भाई ठीक है तो अभी इसने बोला सीओ डी क्या थी आपस में सिस्टर्स तो डी डी का भाई तो मतलब कि स, यहां पे सी है तो य, य, ये ये तो दोनों क्या आपस में तो आया समझ दो ध्यान से ए ए ए और बी आपस में भाई हैं इसने बोला A का बेटा A सन जो कि ई e मान रहे हैं हम वो डी का भाई है डी का भाई है पर डी की बहन कौन थी पहले से सी तो ये, तीनो, ये तीनों ये तीनों कौन हुए आपस में भाई बहन हुए दो भाई और एक बहन और और इनका बाप कौन हुआ ए और ए का भाई कौन है बी समझ आया तो पूछा क्या बी सी का सी का क्या लगा बी सी का क्या लगा सर अंकल जो लगा होता है ना मेरे पापा मेरे पापा के भाई मैं उनको ना क्या हाँ बोलूंगा अंकल ही बोलूंगा तो वही वही यहां पर ना यहा, पे पूछा हुआ रिलेशनशिप आया समझ तो फिर इसका आंसर क्या होगा अंकल एक क्वेश्चन करते हैं इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक एक ही है इसका जो आपका लास्ट बचा हुआ है वो आज हम कर देंगे खत्म अंकुश पहले वाली वीडियो से देख लेना इम्पोर्टेंट है ठीक है स्टार्ट हो गया? हो गया? आ रहे ना समझ अभी अतुल ऐसे ड्रॉ करने का है भी वो करो हैबिट डालो ठीक है लिखो क्वेश्चन ए इज बी सिस्टर देखो ए इज बीस सिस्टर जो ए है वो बी की क्या है वो बी की बहन है राइट एन सी इज बीज मदर एन सी इज बीस मदर जो सी है वो बी की क्या है बी की मॉम है डी इज सीज फादर डी इज सीज फादर यहां यहां पे फुल स्टॉप है ठीक है यहां पे फुल स्टॉप है ये फुल स्टॉप ये है ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं ठीक है थीके? हो गया डी इज सीज फादर देन ईज डीज मदर ई इज डीज मदर ये हमारे पास चार स्टेटमेंट इन्होंने मैंशन की हुई है राइट देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बताओ ए का रिश्ता क्या है डी के साथ ध्यान से सुनना मेरा एरो इस तरफ है ठीक है ए का रिश्ता पूछा है कि डी के साथ इतना क्या रिलेशनशिप होगा हा अंकुश राहुल आंसर आया

ए और बी आपस में बहने हैं सी कर लो पहले आप लोग कर लो कर लो कर लो क्वेश्चन आ गया नहीं आया प्रैक्टिस करो ना और प्रैक्टिस करो हाँ समझ नहीं आ रहा है अतुलट करो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँ नहीं तो दो इज बी सिस्टर ए और बी आपस में बहने हैं। और C जो है वो बी की माँ है तो, तो आप अगर देखो यहां पे, A और मैंने एक चीज ना करवाई थी इसको A2 ले सकते हैं ए टू एंड बी टू राइट क्योंकि इसने बोला ए इज बी सिस्टर अभी बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है आप ए टू से मत करो ये बोला ठीक है ए और बी के आपस में ए और बी आपस में बहने हैं। ठीक है ये ए बी का बहन है जो मतलब कि ये मेरी फीमेल है राइट ये मेरी फीमेल है अभी अंकुश आपने लगाई तो हम ना फीमेल में ना हम ना लिखते हैं यहाँ पे ना ए के नीचे हैं 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 टू लिखते लिखते तो जो मेल मेल होता है है उसके नीचे हम वन मुझे अभी बी बी का नहीं पता कि फीमेल है, है तो मैंने नहीं लिखा ठीक है इसने बोला ए है वो बी की बहन है ए है वो बी की बहन है राइट यहां से पता चल गया इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है एस का इस का रिलेशनशिप है आगे समझ आगे जो सी है वो बी की मॉम है जो सी है वो बी की क्या है मॉम है मतलब कि ये भी फीमेल है राइट right? तो इन दोनों में ना रिलेशनशिप क्या है मदर का पर हम मदर ही बोल सकते हैं यहां पे हम सन नहीं बोल सकते पोटर नहीं बोल सकते क्योंकि हमको बी का नहीं पता अभी तक राइट right? बी नहीं पता ना बी मेल है या फीमेल आगे डी इज सीज फादर जो डी है वो सी का फादर है जो डी है वो यहां पर है डी इसका क्या है डी इसका फादर है अभी डी फादर है तो भाई ये क्यों? ये कौन होगा मेल होगा राइट right? मैंने लगा दिया वन डी मेल है डी की बेटी सॉरी डी का बेटी कौन है अभी ये हुई है सी टू ये फीमेल है तो डी की बेटी हुई सी और सी का बेटा या बेटी हुई बी और उसकी बहन हुई ए राइट right? आया समझ अभी पूछा क्या अभी आगे भी है ई इज डी मदर जो ई e है यहाँ पे ई है वो कौन है ई की ई जो ई है वो डी की माँ है मतलब कि ये भी कौन है? फीमेल है समझा सारी जनरेशन ई एक फीमेल फीमेल है उसका बेटा कौन है फादर नाम डी है ठीक है उसका बेटा कौन है डी उसका बेटी कौन है सी उसकी उसका बेटा या बेटी को है बी और उसकी बहन को A तो आप देखो ये ना जनरेशन तीन जनरेशन का गैप है एक देखो ये इसको पता क्या बोलेगा ये इसको बोलेगा सन राइट सुनो एक ना D को पता क्या बोलेगा डी को बोलेगा सन राइट बेटा बोलेगा ई सी को सी को ना क्या बोलेगा ई सी को बोलेगा ये है सन और ये क्या बोलेगा इस, हम बोलते हैं पोता अभी रैंड सन नहीं बोलेगा क्या बोलेगा Granddaughter. Right? जो ही बोलेगा अभी यहां पे तीन जनरेशन पास हो रहे हैं तो यहां पर सी के बाद यहाँ पे लग जाएगा रेट लग जाएगा और उसके बाद क्या लग जाएगा रेट रेट लग जाएगा राइट right? पर मैंने इसलिए मुझे ई e का ए से नहीं पूछा है इसलिए मेरे को पूछा है डी और ए का राइट इसलिए क्या पूछा इसने इसने को एओडी का पूछा ना आपस में तो एओडी का आपस में आएगा रेट आएगा या फिर नहीं आएगा रेट आएगा या नहीं आएगा अगर मुझे आप बताओ अगर ई की बात करते हैं ई सुना ध्यान से मैं पहले बता रहा हूं अगर ई का पूछा होता सपोज करो ई इसको बोलेगा बेटा इसको इसको बोलेगा रैंड सन या जो भी ठीक है रैंड लगेगा इसपे ई इसको बोलेगा बेटा इसके आगे लगाएगा ई ग्रैंड और इसके आगे लगाएगा रेड ग्रैंड सही बात है वैसे ही अगर हम डी की बात करते हैं डी इसको बोलेगा बेटा या बेटी डी इसको क्या बोलेगा इसको बोलेगा यहां पे वर्ड यूज करेगा वो रैंड और वही तो पूछा है इसकी बहन थी तो ये अगर अगर इसकी बात करते हैं, अगर मेल होता तो हम बोलते रैंड सन आपने आंसर दिया पर ये तो भाई मेल ये मेल है फीमेल है फीमेल है तो हम इसका आंसर क्या आएगा सर डी ए को ना क्या बोलेगा क्या बोलेगा ये इसका आंसर है आया समझ आगे समझ आगे आप ना रिलेशनशिप ना बनाने की सोचो यहाँ पे इशू आते हैं ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो सर यहाँ पे तीन जनरेशन ना पासिंग हो रही है एक जनरेशन दो जनरेशन और ना थर्ड जनरेशन तो थर्ड जनरेशन से जो पहले वाले जो लोग थे उनका उसका रिलेशनशिप पूछ रहा है इसके साथ क्या होगा अगर यहां पे इशू क्या होता है सुनना मेरी बात इसका ए का डी के साथ पूछा है तो इसका मतलब पता क्या है इसका मीनिंग है कि ए डी का क्या लगा आई समझ इसका मीनिंग क्या है ए डी का क्या लगा रिलेशनशिप ना मैटर करते हैं मैंने आपसे पूछा सपोज को मैंने पूछ लिया आपको सी और बी के बीच बीच में ना रिलेशनशिप है तो आप नहीं बता सकते हो मदर का भी है और यहां पे एसओ एन सन भी आ सकता है राइट बेटे का भी relationship हो सकता है और मां का भी हो सकता है पर क्वेश्चन आपने पढ़ना है बी सी का क्या लगा बेटा लगा और सी बी का ना क्या लगा मां लगी राइट? तो रिलेशनशिप आपने पढ़ना है इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो पूछा गया है उसकी तरफ एरो देना कि ए डी का क्या लगा राइट ए नीचे वो डी का क्या लगा रैंड ऑटर लगी आया समझ ठीक है एंड करते हैं यहीं पे तो पर लास्ट क्वेश्चन है ठीक है लास्ट टॉपिक आपका ये इसका ओडेड रिलेशनशिपेड रिलेशंस ओडेड रिलेशंस अभी ना आपको जैसे इससे पहले बार पहले वाले ना सारे क्वेश्चंस में ना ये चीज का मेंशनिंग थी

ये मैं क्यों करवा रहा हूं क्योंकि इसमें ना वाइसी वर्षा नहीं होगा अभी ध्यान दो मैंने आपको बोला ए और बी ए प्लस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए बी का क्या है भाई है ठीक है तो क्या बी भी ए का भाई है नहीं बहन भी हो सकती है समझ रहे हो उल्टा मत समझना अगर ए इज ब्रदर ऑफ मतलब कि ये मेरे पास जो सारा सिनेरियो चल रहा है वो यहां से लेके यहां तक चल रहा है आप उल्टा नहीं ले सकते हो आप बोलोगे टू प्लस थ्री भी होता है और प्लस भी होता है वो चीज ना मत कर देना पे वर्षा नहीं होगा जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में यहां पर हम, 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 हमारे पास क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो मैंने बोला ए प्लस बी ए इज द ब्रदर ऑफ बी पॉसिबिलिटी है कि बी इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ ए राइट बट क्या पता अगर बी मेरे पास फीमेल हो तो हम बोलेंगे बी ए की मेरे पास ना ए बी का तो भाई है पर बी ए का ना वो क्या होगी बहन होगी तो पॉसिबिलिटी है तो कभी भी इसमें रिवर्स नहीं चलना है राइट जब तक वो प्रॉपर तरह से मेंशनिंग नहीं करेगा अगर ए ए प्लस बी इज द ब्रदर ऑफ बी और यहां पे दे दिया B plus A, दे दिया दिया बी बी प्लस ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ ए अगर ऐसे दे दिया तो हम बोलेंगे भाई ए और बी आपस में मेल है और ये, ये दोनों आपस में क्या है भाई है समझ रहे हो वैसे अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं ए इन टू सी इनका रिलेशनशिप है सी इज मदर ऑफ एज मदर ऑफ ए अगर ऐसा बोल दिया कौन है ए की माँ है अभी सुनना इसका मीनिंग आप समझना यहाँ पे उल्टा चल रहा है मतलब कि सी ए की मॉम है अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया चेंज कर दिया उसने ये पूछ लिया बताओ डी इन टू एफ का मीनिंग क्या होगा तो आपने देखो ना आगे वाला ले रहे ना सी इज द मदर ऑफ ए समझ लियो यहां पर सी इज मीनिंग क्या होगा right? रहा है? में जिस सीक्वेंस को आपको मान के चलना है, उल्टा सीक्वेंस नहीं कर सकते जैसे मान लो उस सीक्वेंस हमने ना ऐसे बात की ए बी का भाई है राइट right? तो यहां पर भी आप बोलोगे ए सी की माँ है नहीं इसने उल्टा सीक्वेंस बताया सी इज द मदर ऑफ ए अगर जहां पर भी अभी ना ये सिंबल जहां पर भी यूज होगा ना इसका मतलब आगे वाली मॉम है समझ? इस में जहाँ पर भी ना ये सिंबल यूज होगा तो जो आगे वाला जो भी पर्सन होगा वो पहले वाले की मॉम होगी आ रहा है समझ पक्का क्वेश्चन लिखो एक लिखो क्वेश्चन एक इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसमें ना पांच पार्ट होंगे ठीक है पांच पार्ट आपने सॉल्व करने हैं लिखो पहले ए प्लस बी मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है वाला ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी मीन्स लिख रहा हूं मैं यहां पे इज द सन ऑफ बी ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी एज दाइफ ऑफ बी ठीक है ए माइनस बी के बाद अब लिखो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी ए इज द brother of b a divide b means a divided by b means a is the mother of b a is the mother of b एंड ए एक बी मीन्स एक्वल बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी एज दिस्टर ऑफ बी राइट बस यही है ठीक है अभी आपने मुझे बताना है फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हार्ड रहेगा पहले बोल रहा हूँ मैंने पहले क्वेश्चन में ही लेवल इंक्रीज किया है मुझे आप बताओ p प्लस आर माइनस क्यू का मीनिंग क्या है p प्लस आर माइनस क्यू का मीनिंग क्या है इसका मीनिंग क्या होगा अभी ये पूछ पता क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ इसमें सब कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पे तो मुझे बताओ कि q और p में क्या रिलेशनशिप है इनडायरेक्टली p प्लस आर और जब माइनस q करोगे जो भी रिलेशनशिप बनेगा मुझे एज अ रिजल्ट आपने बताना है q और P में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा वो मुझे आपने बताना है कि क्या रिलेशनशिप होगा नहीं समझ आया क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं तो रुको, अभी मैं अच्छे से क्वेश्चन स... पहले ना अंडरस्टैंड करता हूँ ये ये पार्ट समझ आ गया ठीक है अभी पूछा गया है वट डज क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे वट डज पी प्लस आर माइनस क्यू मीन्स ठीक है अभी ऑप्शन देखना ध्यान से हो सकती है कौन बोल रहा है वाइफ वाइफ कैसी हो सकती है ये रुक जो मैं बताता हूँ पहले क्यू इज द फादर ऑफ पी लिखो ऑप्शन क्यू इज द फादर ऑफ पी मुझे क्यू और पी में आपस में ना रिलेशनशिप निकालना है ये इस तरह के ऑप्शन है क्यू इज द सन ऑफ पी इज द सन ऑफ पी क्यू इज द सन ऑफ पी दो मिनट क्यू इज दन ऑफ पी क्यू इज द अंकल ऑफ पी क्यू इज दंकल ऑफ पी एंड क्यू इज द्रैंड फादर ऑफ पी ये क्वेश्चन है मेरे पास मैं यही पूछा था

क्वेश्चन उतार लो एक बार अच्छे से अब इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा भाई मैं ऐसे दूंगा मैंने ऑप्शन लिखूंगा ठीक है पहले बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये आपको स्टेटमेंट दूंगा आपने मुझे बताना है कि Q और P में क्या क्या आपस में ना कौन सा वा, वाला रिलेशनशिप होगा राइट आंसर आया किसी और का अतुल आया आंसर नहीं आ गया फादर गुड यहां पे ध्यान दो आशुतोष देखो अभी ए प्लस बी का मीनिंग था इज द सन ऑफ बी राइट अभी ना इसे बोर्ड मास मत देखना यार आप सोचोगे सब बोर्ड बोर्ड मास मास लगाएंगे पे मत लगाना अंकुश लगाया बोर्ड मास नहीं लगाना ठीक है वो मत सोचना यहाँ पे प्लस का मीनिंग प्लस नहीं है पे प्लस एक साइन है अब प्लस की जगह पे यहाँ पर ऐसे बना लो ऐसे से कर लो ऐसे करके वो मान लो प्लस का मीनिंग प्लस नहीं है जो रियल प्लस करते हैं प्लस ए ये ओनली एक सिंबल है आई समझ पहली बात ये ना पहली बात है आप ना अंडरस्टैंड करो ठीक है अभी अभी सुनना ए इज द ब्रदर ए इज द सन ऑफ बी मतलब ए बी का बेटा है यहां पे अगर हम, हम आए पी प्लस आर पी प्लस आर का मीनिंग क्या आएगा पी इज द सन ऑफ आर मैं आपको करवाता हूं यहां पे ध्यान दो यहां यहाँ यह, यह, देखो पी प्लस आर का मीनिंग पहले मुझे बताओ क्या होगा पी प्लस आर का मीनिंग होगा पी इज द इज होगा या नहीं होगा बताओ नहीं कुछ। ए, P is son of R हुआ ना। A plus B का इतने को लो A P plus R का meaning क्या होगा P is the son of R। आया समझ P सुनना P is son of R। यहाँ पे R है R का जो son है सुनना ध्यान से आर का जो सन है यहां पे बेटा है जो भी सन होगा वो कौन है पी ए मीनिंग इसका पी इज आर आया समझ मीनिंग आया समझ यहां तक अतुल आगे समझ आगे माइनस क्यू जो भी आएगा पी प्लस आर का रिजल्टेंट जो भी आएगा पी ए इज बी पी इज सन ऑफ आर जो पी की बात कर रहे हैं ये जो पी है ठीक है ये कौन है माइनस क्यू जो भी P आया आया रिजल्टेंट उसको उसमें से मैंने किया माइनस क्यों कर दिया पहली बात तो का मीनिंग क्या होता है वाइफ वाइफ मतलब पहले वाला दूसरे वाली की है यहां पे नहीं समझ आया होगा सुनना मेरी बात पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करना यहां पे मेन पर्सन कौन है जब मैं यहां पे हम टारगेट कर रहे हैं A को। A की बात कर रहे हैं

इसने बोला जो पी जो है जो आर का बेटा है जो पी है ना वो क्यू की वाइफ है समझ आया दोबारा अंडरस्टैंड करो कोई बात नहीं हॉट लेते हैं इस क्वेश्चन में ठीक है मुझे पता इशू पता क्या हो रहा है आप सोच रहे हो सर आर इसकी वाइफ है फिर उसका वो करेंगे उल्टा करेंगे आपने स्टार्ट का सीक्वेंस नहीं यहीं से स्टार्ट करनी है ध्यान देना पहले हम पहले हम इसको भूल जाओ आप।, आप।, आप देखो पहले पी प्लस आर पी प्लस आर का मीनिंग था प्राइम जो मेन इंसान है जो यहाँ पे मेन हीरो है वो कौन है पी प् है राइट right? पी की बात कर रहे हैं पी प्लस आर पी इज द सन ऑफ आर बात इसकी कर रहे हैं पी की इसने बोला जो पी है जिसका बाप आर है मतलब कि जिसके पिताजी आर हैं जो पी की बात हो रही है वो जो है ना पी वो क्यू का क्या है क्यू की बीवी है वो पी का बात किसकी हो रही है इसमें पी की बात हो रही है ना P की बात हो रही है उसने बोला पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू की बात क्या होगी पी माइनस क्यू का मीनिंग क्या पी हाँ हां ये आया तो हां तो मैं वही तो बोल रहा हूं आपने देखो ना जब हम मान लो जब हम इसकी बात करते हैं ना तो अब जब इस, इस पे चीज जो है समझ के चल रहे हैं आपने ये मानना है p प्लस आर पी आर का बेटा है पहले आपने ये स्टेटमेंट दिमाग बिठा लो जो भी आया ये आगे ना p r का बेटा है जो भी है आगे सुनना आगे बोल रहा है जो जो r की वो बात कर रहा था R इज वाइफ ऑफ q जो r की बात हो रही है अच्छा मैंने उल्टा कर दिया यहां पे जो R की बात हो रही है R वाइफ है किसकी वाइफ है R Q की वाइफ है नहीं आया समझा रुक जाओ रुक जा रुक जाओ बेसिक से करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं देखो पी प्लस आर ले रहे हैं पहले पी प्लस आर का मीनिंग है पी इज दी क्या है पी इज सन ऑफ आर दूसरा स्टेटमेंट है आर माइनस क्यू अगर आर माइनस क्यू की बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है आर इज वाइफ ऑफ क्यू उल्टा ले लें क्यू इज द ऑफ दर राइट आया समझ तो यहां पे नहीं आया क्यों होगा फर्स्ट और तो थर्ड को रिलेट मत करो सुनो मेरी बात पहले ध्यान से पहले से पहले पी प्लस आर को देखो पी प्लस आर में क्या बोल रहा है पी आर का क्या लगता है पी आर का बेटा है आया समझ यहां पे अभी इसको भूल जाओ अभी पहले इसको लिया ना अभी इसको भूल जाओ आप सोचो अभी आर माइनस क्यू की बात हो रही है आर माइनस क्यू की मीनिंग क्या है आर माइनस क्यू का मीनिंग है आर क्यू की वाइफ है आपने दो स्टेटमेंट पहले ना इन दोनों को पकड़ा अभी आप बताओ ना ध्यान से P इज सन ऑफ R। यहां पे R बैठा है राइट right? इसने बोला P इज R। जो P है वो इसका क्या है बेटा है आगे पर जो R है वो Q की वाइफ है जो R है वो क्या Q की वो वो मेरे Q की क्या है वाइफ है, है, है। मतलब कि Q इसका हस्बैंड है मतलब कि ये इसकी बीवी का बेटा तो मतलब इसका भी क्या हुआ बेटा हुआ तो अब पी क्यू को ना क्या बोलेगा फादर तो बोलेगा तो फिर आंसर क्या आएगा ए आया समझ यहां पे रॉन्ग हो गया था मेरे ठीक है आप ऊपर करना था दोबारा बोल रहा हूं सुनना ध्यान से अगर नहीं समझ आ रहा पर आपको ना दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ना बना के नहीं करना है आपने पढ़ना है पी प्लस आर पी प्लस आर का मीनिंग क्या है पी आर का बेटा है पर जो आर है आर क्यू का क्या है आर क्यू की बीवी है तो ये भी इसका क्या होगा इनडायरेक्टली ये भी इसका फादर ही होगा राइट right? आ गया समझ अभी ना इसको देखते हुए ना एक दो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन मुझे बताओ P इन आर का मीनिंग क्या होगा P इंटू आर डिवाइडेड बाय Q का मीनिंग क्या होगा और इसमें भी आपने मुझे ना रिलेशनशिप बताना किसका पी और क्यू का बताओ कि पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है सुना ध्यान से पहले पी इन R आर प्लस आर डिवाइड बाई क्यू की वैल्यू निकालो पहले दो स्टेटमेंट यहाँ पे ना फॉर्म करो पहले पी इन आर फॉर्म करो पहले कि उसका मीनिंग क्या आएगा फिर R डिवाइड बाई क्यू फॉर्म करो उसका मीनिंग क्या आएगा हम्म पी और क्यू को बताओ बताओ पी क्या बोलेगा बोलेगा क्यू को या क्यू क्या बोलेगा पी को कैसे गलत अंकुश रॉन्ग है आशुतोष गलत निम वो वो नहीं पता मुझे मैंने प्योर क्यू का पूछा हाँ प्योर क्यू भाई नहीं नहीं भाई नहीं आंसर नहीं प्योर क्यू का पूछ रहा हूँ मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं कुछ मामू देख रहे हो तुम तो मामू को बोलते क्या है मामू लिखेगा अंकल अंकल बोलते हैं आया किसी और का एक टाइम के लिए भूल जाओ उस टाइम के लिए भूल जाना है जब मैं सेकंड स्टेटमेंट को ना कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाना है राहुल आया ऑनलाइन में आया किसी का आंसर ध्यान दो मुझे पहले बताओ कि पी इंटू का मीनिंग क्या था पी इंटू का मीनिंग था ब्रदर का राइट पी इंटू आर का मीनिंग होगा पी पी इज द ब्रदर ऑफ पी इज द ब्रदर ऑफ आर राइट क्या समझिए यहां पे। अभी मुझे बताओ सर डिवाइड का मीनिंग क्या था डिवाइड का मीनिंग था मदर का राइट आर इज द मदर ऑफ क्यू आर इज मदर ऑफ क्यू एकदम सही पूछा क्या सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना पी और आर आपस में भाई हैं। पी और आर आपस में भाई हैं। यार ऐसे क्वेश्चन किया हो हमेशा जब करवा रहा हूँ ये फैमिली ट्री से क्वेश्चन करोगे इजी पड़ेगा पी और आर आपस में भाई हैं ठीक है मैं स्मॉल लिख रहा बी इन दोनों में ले, में रिलेशनशिप है आपस भाइयों का ठीक है जो भी पी आर का ठीक है उल्टा नहीं है पी इज द ब्रदर ऑफ आर राइट मतलब कि ये ना मेल है ये मेल है इ, इसका नहीं पता मुझे ठीक है ये मेल है नेक्स्ट आर इज द मदर ऑफ क्यू जो आर है वो मदर है किसकी क्यू की मतलब तो यहाँ पे रिलेशनशिप है मदर का आर इज द मदर ऑफ क्यू मामा नहीं हुआ माँ का भाई चल रहा है क्यू क्या बोलेगा इसको अंकल ही बोलेगा। तो बोलेगा मैंने वही तो पूछा था आपसे मैंने पूछा था पी पी और क्यू में रिलेशनशिप क्या मामे का रिलेशनशिप है मामे जाएगा दिख रहा है दोबारा समझाऊं देखो ध्यान से पी और आर आपस भाई हैं और आर माँ है आर इज द मदर ऑफ क्यू राइट तो देखो अगर हम क्यू को आप ना ऑब्जर्व करो पहले जो लास्ट में आता है ना उसको ऑब्जर्व करना है क्यू की मोम का क्यू की जो मां है उसका भाई को हम क्या बोलते हैं मामा बोलते हैं और मामा को मैंने आपको ना ये करवाया था मामे को चाची को हम क्या यहां पे यूज करते हैं अंकल तो फिर आंसर क्या यहां पे? यहां पे आंसर आने वाला अंकल आया समझ अगला क्वेश्चन लिखो हो गया राहुल समझ आ रहा है क्वेश्चन पी इज इकल टू आर पी इज इकल टू आर डिवाइडेड बाय क्यू मीन्स क्या होगा सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू से करना कुछ नहीं भले यस अच त आ आज हाँ गया आंसर है आंट अतुल नहीं आया कौन सी वाली बूजी वाली साइड से है वहां से ठीक है ओके हाँ जी आ गया नहीं ना यहाँ पे देखो पी इक्वल टू आर डिवाइड बाई क्यू पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P इज इजिकल टू मीनिंग क्या है सिस्टर का राइट तो हम लेते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट ले रहे हैं पी इजिकल टू आर पी इज इकल टू आर का मीनिंग क्या है P इज द सिस्टर ऑफ P इज द सिस्टर ऑफ R, राइट right? तो so, अगली स्टेटमेंट है R डिवाइड बाई Q. इसमें क्या है R इज द R इज द मदर मदर होगा ना मदर मुझे ब्रदर सुनाई दिया मदर ऑफ Q. हो गया कंफर्म यहां से एक स्टेटमेंट यहां से हमको दो मिल चुकी हैं पूछ रहा है पी को क्या बोलेगा अभी देखो ना कुछ नहीं करना है बनाओ आंसर आ जाएगा आपका आप देखो अभी दे दे देखो अभी ध्यान से और आर आपस में हैं ठीक है? इन्वे, है एस का पी और आप सॉरी पी इसकी बहन है मतलब कि ये मेरे पास पी टू है राइट फीमेल है तो हम यहाँ यहाँ पे हैं टू अभी आर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है वो नहीं पता मुझे अगर फीमेल होगा तो भी भाई ये इसकी बहन है बहन है अगर मेल होगा तो भी बहन है तो हम इसका नहीं बता सकते ये ये मेल है या फीमेल है, राइट? अगला, R is the mother of Q. R है है अगला, वो मदर है किसकी क्यू की मतलब कि ये ये भी ये भी कौन है. है, है? है। है, आर है, आर है? है. तो मतलब फीमेल अभी आप ना थोड़ा ध्यान दो ये मे मान लो आपके मॉम यहाँ पे रिलेशनशिप है उनसा वाला मदर का आपके मदर की बहन को आप क्या बोलते हो मौसी और मौसी को मैंने ना लिखवाया था यहाँ पे मौसी को क्या बोलते हैं आंट बोलते हैं यहाँ पे ना मौसी नहीं लिखेंगे यहाँ पे ना वर्ड क्या होगा इसका इसका रिलेशनशिप होगा आंट का ये इसको आंट का रिलेशनशिप होगा यहां पे आया समझ

मुझे इस बार ना आंसर आना चाहिए इसका ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा मैं ठीक है सवाल वो अपने लाने करके हाँ गलत गलत पी और क्यू का बताओ मुझे जल्दी पी क्यू की क्या लगेगी या क्या लगेगा वो पूछा है मैंने गलत मुझे इसका आंसर चाहिए मैं बोल रहा हूं भले गलत आठवा सारे, सारे रिश्ते <laughs> अच्छा मुझे बता दो पी क्यू की क्या लगेगी या क्यू पी की क्या लगेगी एक ही बता दो चलो आप बोलोगे सर हम उल्टा बोल रहे थे ये नहीं बोलना बाद में मैं, सुनो क्वेश्चन क्या है वा बोल रहा हूँ मैं ट इज हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू ये ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने arrow यहां को यहां को दिया हुआ है। कोई आठ बोल रहा है कोई माँ बोल रहा है क्या चल रहा है तुम्हारा भाई मामू वो देख मामू बना रहा है वही फीमेल है वो मामू बना रहा है उसको मामू नहीं आंसर इसका अंकल आंसर नहीं है बनेगा 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 अगर मेल भी है फीमेल भी है दोनों आंसर बोल दे मुझे अच्छा मान के चलो कि अच्छा बात सुनो सारे ऑप्शंस अच्छा ऑप्शन मैटर करेगा ऑप्शन मैटर करेगा आप मान के चलो कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके उसमें हैं फीमेल्स में अभी करो सवाल आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन मैटर करेंगे मैं एक बार देख लेता हूँ नीस है ऑप्शन में पर वो रॉन्ग आंसर है बेटी इज द करेक्ट आंसर डॉटर होगी वो डॉटर अभी तुमने ना चार आंसर दिए हैं चार या पांच आंसर दिए हैं उसके बाद तुम्हारे आंसर आ रहे हैं आंट बना रहा है ये ये मामू बना रहा है तो तुम्हारे क्या चल रहे हैं भाई क्या है ये ऐसे नहीं चलेंगे सवाल हाँ ए प्लस बी ए प्लस बी क्या बोला है भाई बोला है ना सन हाँ तो ठीक है देख लेते हैं करते हैं देखो पहले पी इजिकल पहले मुझे बताओ पी इजिकल का मीनिंग क्या है पी इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है बताओ पी इज दिस्टर ऑफ आर राइट आर प्लस क्यू का मीनिंग क्या है आर इज दन ऑफ आर इज दन ऑफ क्यू राइट यही है। अब सुनना अभी थोड़ा सा ना बनाते हैं आई थिंक ऑप्शन इसमें ना ज्यादा मैटर करते थे इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा होगा देखते हैं स्टार्ट करते हैं पी इज द सिस्टर ऑफ आर पी और आर आपस में बहने है, इन दोनों में रिश्ता है मुझे नहीं पता पर आर मेल right? भी, भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है हमको नहीं पता आर इज सन ऑफ क्यू जो आर है वो बेटा है बेटे की बात की तो फिर ये क्या हो जाएगा वन वन का मतलब मेल है ये ठीक है सन ऑफ क्यू पे क्यू है जो आर है वो क्यू का क्या है बेटा है। अब यहां, यहां, तो यह यह यहां तो यह लेके चलते क्या बोलेगा बहन का यहां, पे, यहां, क्या है? यहां, यहां पे -सन का। पर यहां पे सन का है यहां पे फादर का भी हो सकता है और यहां पे मदर का भी हो सकता है राइट हो सकता है

क्या होगी बेटी होगी हमको नहीं पता ये Q1 है या फिर Q2 है पर वो चीज तो भाई नहीं मैटर करती है ना यहाँ पे मेल हो फीमेल हो माँ भी अपनी बेटी को बेटी बोलेगी और बाप भी अपने बेटी को बेटी ही बोलेगा तो वो नहीं मैटर करता यहाँ पे कि भाई वो मेल है या फीमेल है अब ये तो क्वेश्चन इजी था सवाल है इसमें क्या इशू हो रहा था तो आंसर क्या आएगा इसमें ऑटो ठीक है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू यही है ना हाँ P is the daughter of Q. देखो एक सवाल से करो क्वेश्चन देखो पी क्रॉस आर कर लेते हैं पी प्लस आर माइनस क्यू और सेम रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन पी एंड क्यू राइट ये मैंने पहले दिया क्या दे दिया ना मैंने पे प्लस कर लो यार फिर ये कर लो पी इन टू आर प्लस क्यू कर लो ठीक है लस है यहां पे बस फिर यहां पर खत्म करते हैं <laughs> क्या सेवन सन देखता हूँ मैं एक आंसर आ गया सन आ गया ऑनलाइन में किसी का आंसर आया देखते हैं अच्छा जो फल एग्जाम हुआ उसमें ना ब्लड लिशन का कोई क्वेश्चन आया था मैं देख रहा हूं शायद से नहीं है कोई क्वेश्चन अगर मिलते तो मुझे बताओ एक आया था ना एक आया था एक आया एक आया हाँ हाँ भेजा हाँ, हुआ है मैं भेजता हूँ अगर नहीं है तो है ओपन करो Uh, मेरे पास सेट बी है उसका क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स है आंसर निकालो मैं यहाँ पे काम करता हूँ लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर देखो सारे बंद कर दो तो फोन इधर देखो इधर हां देखो सारे एक सवाल आया हुआ है लिखो क्वेश्चन ये अच्छा इसका आंसर है पहले बताओ देखो पी इंटू आर का मीनिंग क्या होगा पहले बताओ पी इंटू आर का मतलब क्या होगा इंटू आर का मीनिंग क्या है पी इज ब्रदर ऑफ आर राइट पी इज ब्रदर ऑफ आर और आर प्लस क्यू का मीनिंग क्या है आर इज द्यू राइट ऑब्स ही बात है क्या होगा बेटा आंसर होगा देख दो दे पहले बात करते हैं पी और क्यू पी और आर आपस में भाई है पी और आर भाई है और जो आर है वो क्यू का बेटा है जो आर है वो क्यू का बेटा है तो भाई ये ये, ये क्या लगी अच्छा ये ये दोनों आपस में थे ब्रदर तो ये भी इसको ना क्या बोलेगा सन नहीं बोलेगा ठीक है हो गया सवाल लिखो क्वेश्चन नंबर ठीक है ध्यान दो लिखो पहले क्वेश्चन लिखो ये ना कल फाइनेंस uh, सब इंस्पेक्टर का सवाल है कल एग्जाम होता ठीक है क्वेश्चन लिखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ठीक है दो मिनट Pointing to a man, pointing to a man in the photograph, pointing to a man in the photograph, a woman said, a woman, a woman said, he is the only grandson. he is the only grandson he is the only grandson of my father's father in law of my father's father in law ये क्वेश्चन मैंने आपको ना इस वीक पे एग्जाम पे देना था एग्जाम में रखा था ये वाला सवाल पर अभी एग्जाम में आ गया है कोई बात नहीं ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ एंड माई मदर इज द एंड एंड माई मदर इज़ दी एंड माई मदर इज़ द ओनली चाइल्ड इज दी ओनली चाइल्ड ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर Of my grandfather, okay? of my grandfather, then how this man then how this man related to that woman to that woman. बताओ मुझे इसका शाबाश यहाँ शारा। तक तो स्टेटमेंट है ध्यान से रीड करो सवाल एक दो बार आप नहीं करना ये वाला क्वेश्चन ठीक है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कौन से एग्जाम में आया हुआ है जेके एस आई जम्मू एंड कश्मीर एस आई फाइनेंस फाइनेंस में एग्ज़ाम आया हुआ है, है। आया हुआ, ठीक है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तो रिसेंटली अलग एग्जाम हुआ है उसमें उसमें ना ये वाला सवाल पूछा गया हुआ है आपसे सवाल होना चाहिए वाला मेरे पास ना जिसका भी पेपर है उसने ये क्वेश्चन नहीं नहीं किया है आई डोंट नो वाई इजी सवाल थे क्लास नहीं ठीक है ये होमवर्क है आपका ये होमवर्क का ये क्वेश्चन होना चाहिए पहले बोल रहा हूँ मैं कोई कहीं से नहीं देखेगा मुझे अगर आपने बोला ना कि सर हमने ना ये आंसर निकाल दिया है कहीं से देख के मैं यहाँ पे बुलाऊंगा यहाँ पे और सॉल्व कराऊँगा पूरा एक एक चीज। चीज़ ये मुझे आंसर चाहिए इसका प्रॉपर तरह से क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा ना एक दो मिनट ना ज़्यादा लगेगा इसमें लेकिन है क्वेश्चन वही मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना करवा देता हूँ ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई फादर्स इन लॉ ठीक है वो जो वहां पे एक मैन कोके एक ना औरत बोल रही है बताया था ग्रैंड सन का मीनिंग था।, था पोता याद है बेटे का बेटा जो भी बेटे का बेटा या फिर बेटे बेटी का बेटा जो भी है ठीक है इसने बोला ही इज दी ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई फादरस फादर इन लॉ मेरे पापा के

एक 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 अकेली क्या है बेटी है मतलब कि उसकी जिसकी बात कर रही है जो वो लेडी है उस लेडी की और कोई मौसी नहीं है आया समझ यहाँ से नहीं समझ आया समझ आया देखो सुनो ध्यान से माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर मेरे नानू सुना ध्यान से मेरे नानू की एक लोती बेटी कौन है मेरी माँ आई समझ ये सेंटेंस है इसका इसका मतलब कि और कोई मौसी नहीं है मतलब कि मेरी मम्मा की और कोई बहन नहीं है ओनली बोलो ना ओनली ओनली चाइल्ड मतलब कि एक लोती मेरी माँ है उनकी बेटी है इसका मतलब है मेरी और की मौसी नहीं है मेरी और की आंट नहीं है राइट इससे आपको ये समझा उससे आपको ये समझा बताना है वो मैन जो मैन की पॉइंट आउट कर रहा है और जो औरत बोल रही है उनका आपस में ना क्या रिश्ता है ये निकाल के मुझे दोगे आप, आपका आंसर इसका ये होमवर्क है मैंने समझा दी दोबारा दोबारा बताऊ मैन एंड देन वीमेन जो विमेन जो मैन उसमें जो ना फोटोग्राफ में है और जो औरत जो बोल रही है कि ये मेरे उसका उसका वो वो लगता है वो वो मुझे बताना है क्यों बताऊँ मैं ने ये आंसर नहीं ये आंसर पूछ रहा है मुझसे मैं वाह मैंने होमवर्क दिया भाई यहाँ होमवर्क लिख रहा हूँ भाई मैं होमवर्क है करना कर जाके दोबारा बोल रहा हूँ ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है हार्ड इन देंस हार्ड नहीं है आप अगर क्वेश्चन को ना अपने लेवल पे समझो ना तो आपको समझ आ जाएगा देखो दोबारा बोलता हूँ ही इज द ओ ओ ओनली ग्रन मतलब कि वो एक, एक लोता पोता है अगर प्रॉपर रिलेशनशिप आपको ना बताऊ ना यहाँ पे देखो पहले बात कर रहे हैं उस आदमी की ये वो आदमी है ठीक है इसका नाम मान लो ए चलो तो मैं यहां पे देता हाफ इधर देखो एंकुश अतुल यहाँ यहाँ देखो ए की बात कर रहे हैं ठीक है ए अभी वो मैन है मैन का मतलब मेल है मेल का मतलब ए वन लिख यहां पे, मैं पे ए वन मैंने लिख दिया ए वन दो मिनट थोड़ा मैंने एवन लिख दिया यह है यहाँ पे कर रही है और बोल रही है इसको बोल के रही है सुनना ही इज द ओनली ग्रैंड पोता पोता मतलब कि इसका कोई होगा और उसका कोई होगा का मतलब कि दो जनरेशन का गैप आया है समझ आया समझ मतलब यहाँ पर भी कोई होगा और यहाँ पर भी कोई होगा उसका बेटा जो है उसका जो पोता है वो एवन है ये समझ आया इससे यहाँ तक यहां तक हुआ अभी ऑफ माय मेरी लेडी जो वो इंसान है जो वो ये है लेडी मैंने जो लेडी थी उसको मैंने L2 मान लिया ठीक है उसने बोला लेडी ऑफ फादर्स फादर वो ग्रैंड पोता है पता किसका मेरे पिताजी के फादर इन लॉ का इसके अभी सुनना इसके इसके ना जो ना पिताजी होंगे उसकी जो वाइफ होगी उसके जो पापा होंगे उसका पोता ये है तो मतलब कि ये और ये एक ही तो है

दो जन गैप आ गया अभी सुनना वो, वो लेडी बोल रही है मेरा मेरे जो फादर हैं ये 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 इसके फादर मान लो बी मान लो बी भी वन मेल है तो बी वन ठीक है मेरे जो फादर हैं उनके फादर इन लॉ, मतलब कि उनकी बीवी बीवी के जो जिनकी वाइफ के फादर मतलब कि मेरे जो फादर के फादर इन लॉ हैं मेरे फादर के जो फादर इन लॉ हैं उसका जो पोता है वो ये है मतलब कि ये वाला इंसान और ये वाला इंसान एक ही तो है समझ आया यहां से नहीं आया तो आप देखो मतलब कि ये जनरेशन ये जन, ये, 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 एक हो गया ठीक है ये जनरेशन इससे और ये ये जनरेशन इससे मतलब कि इन दोनों में कहीं ना कहीं भाई बहन का या कजन का रिश्ता होने वाला है समझ आया अभी भी नहीं समझ आया आ गया आगे क्या बोला है सुनना आगे भी है आई एंड मदर अभी सुनना इस सेंटेंस की वैल्यू क्या है सुनना आप ध्यान से अगर आप इससे आंसर नहीं दे सकते हो आप ठीक है बहन भी तो हो सकती है हो सकती नहीं हो सकती है बहन भी हो सकती है कजिन भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है तीन ऑप्शन है यहां पे आपके यहां पे तीन ऑप्शन बनते हैं इससे आपको तीन ऑप्शन ना गए हैं अभी अब सुनना आगे माई मदर ये लेडी बोल रही है ये ये लेडी बोल रही है जो मेरी माँ है ये थी मां की राइट ये थी मां की बोल रही जो मेरी माँ थी माई मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड जो मेरे मेरे जो ग्रैंड थे उसकी एक लोती बेटी थी मेरी माँ मेरी माँ एक मतलब और मौसिया नहीं है मेरे पास और मौसिया नहीं सिर्फ एक ही बेटी है तो वो तो मुझे बताना है ये जो है और इसका आपस में क्या रिश्ता है जो भी रिश्ता है मुझे ना बताना कल आपने ठीक है कल आंसर देना है मैंने क्वेश्चन दोबारा पूरा अंडरस्टैंड करवा दिया दोबारा बोल रहा हूँ फोकस करना दो अलग अलग मैंने बनाए लास्ट में भाई इस इसका ग्रैंडफादर और इसका ग्रैंडफादर आपस में क्या हो गया आपस में वो ना कॉन्सेट हो गया मतलब वो दोनों एक ही इंसान थे ठीक है इसका पोता और इसकी पोती सुनो ध्यान से इसका पोता इसकी पोती यार वो कैसे हो सकता है वो तो हो ही नहीं सकता का मीनिंग होता क्या होता है का मीनिंग होता है एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे नेफ्यू में जनरेशन गैप नहीं आता है सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे ऊपर देखो सारे ये बोल रहे सर नेफ्यू अगर हम की बात करते हैं तो बोल रहा बोलो आंसर बताओ सर सुना ध्यान से नेफ्यू का मीनिंग क्या होता है नेफ्यू में मैं बता रहा हूँ मीनिंग समझा रहा हूँ नेफ्यू में ना गैप पता है आता नहीं आता जनरेशन गैप का नेफ्यू कौन बोलता है अंकल जो होते हैं अंकल अपने भाई की बेटी को बोलता है नेफ्यू भांजा या भांजी या मामा बोलता है बोलते हैं तो भाई जनरेशन गैप नहीं होता है वो एज होते हैं हम हम एज नहीं होते हैं जो जो हमारे मामा हैं वो जब हमको नेफ्यू या नीस बोलेंगे या आपके जो चाचू हैं वो आपको जब बोलेंगे तो भाई गैप नहीं जनरेशन गैप है एक जनरेशन गैप है है या नहीं है पर मैंने बोला यहाँ पे गैप ही नहीं जनरेशन गैप ही नहीं है इसकी जनरेशन ये आ रही इसकी ये है इसकी जनरेशन ये और इनकी एक ही जनरेशन है एक ही फादर नानू साइड से हो या पापा की साइड से हो मतलब कि दादू हूं या नानू हो वो दोनों एक ही जनरेशन में आते हैं वहां पे जनरेशन गैप नहीं होता है तो आपने यहाँ पे जनरेशन गैप को पहचानना है समझ आ रही है क्वेश्चन होना चाहिए कल और आई थिंक आपको पता है

तो जब मेल और फीमेल का रिश्ता निकाल रहे हैं जब एक में निकाल रहे हैं यहां तो भाई दो आंसर हो सकते हैं क्या है? यहां तो ब्रदर होगा या तो कजन होगा ब्रदर तब होगा अगर ये सगे होंगे सगे होंगे तो अगर सगे नहीं है अभी मुझे बताओ ये ये दोनों सगे हैं या नहीं है, है सगे सगे है। तो एक ही माँ है ना जब एक ही माँ है तो यहां पे एक ही मां है तो ये तो अलग सी ये अलग हुआ सोचे एक बार दोबारा ओनली चाइल्ड मां उसकी एक लोती चाइल्ड है हां सोचा ध्यान से इसके एक ही, एक ही ही इसकी सिर्फ है मतलब ये दोनों भी एक हैं ये दोनों एक हैं तो ये दोनों क्या हुए आपस में सगे हुए हुए ना सगे हाँ तो तेरे को अपनी बात पे ना वो क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है ये ये दोनों के कौन हो आपस में सो नहीं समझ आया ध्यान दो भाई मैं दोबारा समझाता हूँ होमवर्क तो रहा ही नहीं वैसे कोई तो बात नहीं ध्यान दो बोलना क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रदर भी दिया है फादर भी दिया है कजन भी दिया है देखो दो ही ऑप्शन बनते हैं छोड़ दो पॉइंट मैन इन द फोटोग्राफ ये मैन है भाई सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लिख देता हूँ ऊपर तुमको ऐसे तो नहीं समझ आएगा जी कि एस एस बी है जिसका भी था एस आई फाइनेंस का ठीक है फाइनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का ये एग्जाम था और कितना ईजी सवाल पूछा गया है आपको मतलब कि आपको हार्ड लग रहा है आप देख रहे हो कि इतना लंबी स्टेटमेंट है आप उसको जब करोगे ना बहुत ईजी सवाल है सुनो ध्यान से ये एक मैन है मैन का नाम ए मान लो ठीक है ए नाम है उस इंसान का भाई मेल है मेल का मतलब कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे वन लगाएंगे ठीक है

बस करना ठीक है ये हमको पता पतलक कहां से सिर्फ पहली लाइन से अब ही इज द ओनली ग्रैंडसन ये इकलौता ग्रैंडसन है सुन रहे हो ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय अभी यहां पे बात कर रहा हूं मैं लेडी की या फिर विमेन मान लो जो मान लो बी मान लो पर यहां पे बी2 आएगा क्योंकि ये ये कौन है ये ये फीमेल है फीमेल की बात करते हैं हम क्या कह लोगे हां ग्रैंडसन ऑफ माय फादर्स फादर इन लॉ तो ये इंसान है बोल रही है मेरे फादर की फादर इन लॉ अभी जो इसके जो पिताजी होंगे उसकी जो वाइफ होंगी उसके जो पिताजी होंगे ये उसकी बात कर रहा है वाइफ फादर फादर पिता के, के पिताजी राइट मतलब कि इसके क्या लगे वो नानू लगे नानू आए समझ अगर चलो मैं आपके भाषा में बताऊं ये क्या लगे ये इसके लगे नानू जी आया समझ

ये मुझे पता चली अभी तक पहले स्टेटमेंट से पता चल गई सुनना मेरी बात ध्यान से अभी आप जब फोकस करोगे सर आ, क्या बोला ऑफ फादर इन लॉ ये जो इंसान अभी इसने मतलब क्या बोला ये ये जो इंसान है मेरे नानू का मैं सीधा बोल रहा हूँ ठीक है थीके? वर्ड वो नहीं यूज कर रहा हूँ मेरे नानू का वो एक लोता पोता है ही इज द ओनली ग्रैंड सन मेरे नानू का वो एक लोता पोता है एक लोता पोता पोता मतलब कि सन ग्रैंड डॉटर नहीं बोला है एक लोता पोता है एक ही पोता है इसके अभी सोच रही है वो बोल रही है कि अगर एक लोता पोता है मतलब कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में एक ही होगी होगी या नहीं होगी मतलब कि ये वाले दोनों यहाँ पे कहाँ पे कहा ना ये इधर आ गया तो इसने बोला और आगे लाइन में क्या बोला जो मेरी माँ है वो मेरे ग्रैंड की एक लोती बेटी थी और कोई बेटा ही नहीं उसको अगर और कोई बेटा होता तो हम बोलते कि क्या पता इसका कोई और भाई होता उसका बेटा ये होता तो फिर ना ये दोनों क्या होते हैं कजन होते हैं आया समझ नहीं आया बताओ समझ आ गया इसलिए पर देखो ना मैं बात अगर ओनली वर्ड नहीं होता वहां पर ओनली मतलब कि इसकी मॉम का कोई और भाई या बहन होती उसका बेटा ये हो सकता था एवन राइट पर इस तरह क्या बोला ओनली चाइल्ड जब ओनली चाइल्ड की बात कर रहा है मतलब कि इसके नानू की एक लोती बेटी थी वो थी इसकी मम्मा राइट वो कौन थी वो थी इसकी मम्मा थे इकलोती बेटी ठीक है इकलौती बेटी है एक लोती बेटी का एक लोता पोता अभी इसका पोता भी कौन है एवन एक, एक 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 लोता पोता इसका बेटा वो कौन है एवन तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ये बेटी और ये क्या है बेटा तो फिर ये दोनों ये दोनों कौन होंगे आपस में भाई बहन अभी जो भी पूछा ब्रदर होगा तो ब्रदर तो सिस्टर सिस्टर आया सवाल अब क्या बता जो मैंने बताया इसमें भी कुछ रॉन्ग हो अपने घर जाके मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैंने जो बताया जो भी ऑब्जर्व किया से, है? दो फैमिली ट्री बनाने हैं फिर देख लें कि कहाँ पर ना कॉइसाइट हो रहा है कॉन्साइड करने के बाद देखो मैं यहाँ पर इसको भेज सकता था यहाँ पे ऐसे ये ना एक ही हो गया मान लो पर जब मैंने ओनली चाइल्ड पढ़ा ना मतलब कि और कोई तो बेटी नहीं है ना उसकी एक ही बेटी है और उसी का ये कौन है बे, बे, बेटा है ना ये ये तो उसका बेटा हुआ तो इसका बेटा और ये इसकी बेटी तो फिर क्या होगा भाई बहन होंगे ना समझ आ रही है क्वेश्चन ये करना है घर जाके ये घर बहुत इजी सवाल था मुझे नहीं पता जिसके पास जो भी पेपर का ना फोटो ना मेरे पास यहां पर आया उसने ना ये क्वेश्चन किया था अभी कौन था मुझे नहीं पता समझ आ रही है आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं तो स्टार्ट करेंगे Okay, thank you.